नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि, मैं सुरेश गौ ट्रिपल एस एनडी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए वीकली रीडिंग करेंगे, जिसमें हम आपके लिए तीन मूनोलॉजी वाले कार्ड्स लेंगे, यानी कि मूनोलॉजी मैसेजेस बताएंगे कि ये सप्ताह आपका कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है, अगर ये आप पर मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, जिस पर जितनी मैच करती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं, और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें गाइस हम आपके लिए तीन मोनोलॉजी मैसेजेस कार्ड लेंगे। तो इसमें आँखें बंद कीजिए, गहरी सांसें लीजिए और अपने मन से तीन सवाल, यानी अपने मन से सवाल कीजिए तीन बार, और ये इसके लिए आपको 10 सेकंड मिलते हैं। अब आपका समय शुरू होता है। अब आंखें खोलिए और आपके क्वेश्चन आपके सामने होंगे। आपका जवाब, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, यू कमिटमेंट इज बीइंग टेस्ट, your commitment is being test, property lies ahead, you are very close to achieving your goal। आप अपनी मंजिल के बहुत नज़दीक हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था उसका जवाब है, आप जो भी करना चाहते थे, जिस गोल पर पहुंचना चाहते थे, जो आपकी दिली तमन्ना थी, तो आप उसके बहुत नज़दीक हैं। आप उस पर अपना मेहनत डालते रहिए, एफर्ट करते रहिए, आपको अपना रिजल्ट मिलेगा, आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, जो आपने कमिटमेंट किया किसी के प्रति, मतलब कोई आप जवाब चाहते हैं या कुछ भी चाहते हैं, तो यूनिवर्स ही उसको टेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप उस पर खरा उतरते हैं, क्या उसको आप फॉलो कर रहे हैं जो आपने कमिटमेंट वगैरह दिया था। तो उसका यूनिवर्स ही आपका टेस्ट ले रहे हैं, आप उस पर खरा उतरने की कोशिश कीजिएगा। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड हेड, यानी कि आपके पास प्रॉस्पेरिटी आ रही है, सुख समृद्धि आ रही है, खुशहाली आ रही है। तो जो जिस चीज़ में भी प्यार मोहब्बत या जिस चीज़ का भी आप वेट और इंतज़ार कर रहे थे, वो आपके पास आ रहा है, खुशियां आपके पास आ रही हैं, और यूनिवर्स ही आपको टेस्ट कर रहे हैं कि जो जबान आपने दी है किसी को या फिर आप सोच रहे हैं, तो क्या आप उस पर खरा उतरेंगे, और जो आपका गोल है, आपकी मंजिल है, अगर आप उस पर एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो आप उस पर अपनी मंजिल जरूर पाएंगे, आप उस पर खरा उतरेंगे। तो इस सप्ताह के लिए देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये सप्ताह आपका कैसा रहेगा, यानी कि किस चीज़ पर में आपका ज़्यादा रुझान रहेगा इस सप्ताह। तो देखते हैं, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आप मतलब जिस चीज़ के लिए कुछ चीज़ों को आप छोड़ना चाहेंगे, जो चीज़ें आपको बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि एट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, कि उन चीज़ों को आप लेट गो करेंगे जो आपके लिए दुविधा बनी हुई है, परेशानी बनी हुई है, आप उन चीज़ों को रिलीज़ करते हुए अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश करेंगे। जहां आप अभी प्रिपेयर रेडी नहीं हो पा रहे थे, परेशानी तकलीफें आ रही थी, तो वहाँ उन चीज़ों को पूरा करने के लिए आप प्रिपेयर रेडी होना चाहते हैं। थोड़ा सा एक दूसरे से बातें करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए तैयार होंगे, और तभी आप आगे बढ़ेंगे, तो आप अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए प्रिपेयर और रेडी जो हो रहे हैं, तो आप उस पर बने रहिए, धीरे धीरे करके आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। तो और देख लेते हैं आपके लिए जो है और यूनिवर्स क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स टेक एक्शन, बिग हैप्पी चेंजेस। जी, आपका जो काम है, कुछ सप्ताह लग सकते हैं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह में जिस काम पर आप लगे हुए हैं, जो आपका सपना है, जिस पर आप फोकस किए हुए हैं, जो आपको चाहिए अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए, कुछ समय यानी कि कुछ सप्ताह का टाइम और लग सकता है। आप एक्शन लीजिए, आप सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिए, आगे बढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए, और आप अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। बहुत सारे बिग हैप्पी चेंजेस
बहुत बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है, बहुत अच्छे चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं, जिन चीज़ का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, वो खुशी आपको मिलने वाली है। एकदम अचानक से कोई ऐसी खुशखबरी, ऐसी गुड न्यूज़ मिल सकती है जिससे जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी, बदल कर रख देगी, यानी कि खुशियाँ आपका जिसका आप लंबे समय से वेट और इंतज़ार कर रहे थे, तो वो खुशी आपको मिल सकती है। तो ये थे आपके यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस, और तो आई होप आप इसको पसंद करेंगे और आपके साथ आप इनसे ज़रूर जुड़ेंगे, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो किसी के साथ जुड़ भी सकते हैं, नहीं भी जुड़ सकते। तो आप बने रहिए और देखते रहिए, फिर दूसरी वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए अगर आपको अच्छे लगें तो। मैसेजेस किसके साथ कितने मैच किए कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू।